कल लोकसभा चुनाव के रुझान सुबह 8 बजे से मतगणना की बात से शुरू हो जाएंगे और दोपहर होते होते ये तस्वीर साफ हो जाएगी। नतीजों से पहले आज सियासत में वार पलटवार का दौर जारी है। तो यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने बंपर जीत का दावा किया और सपा पर शांति व्यवस्था बिगाड़ने की शिकायत चुनाव आयोग से की है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, सर क्या कहेंगे आपने? अभी निर्वाचन आयोग से मिलकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि निष्पक्ष मतगणना शांतिपूर्वक हो, इसके लिए निर्वाचन आयोग कदम उठाए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दंगा करा सकती है, मारपीट करा सकती है, झगड़ा करा सकती है, तो शांतिपूर्वक मतगणना हो और अपराधी तत्वों पर कड़ी कार्रवाई हो। अखिलेश यादव जी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गए। ब्रजेश पाठक थे जिन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुके हैं। कैमरामैन दिलीप के साथ में लालचंद नेटवर्क लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल राज्य निर्वाचन आयोग से भेंट करके समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा जो प्रेस के माध्यम से, जो ट्वीट के माध्यम से मतगणना से पूर्व शांति व्यवस्था भंग करने की, मतगणना स्थलों पर दंगा कराने की धमकी दी गई है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गंभीर चिंता आयोग के समक्ष जाहिर की है। कल चूंकि यह मतगणना का कार्यक्रम है, लोकतंत्र के महापर्व में शांतिपूर्ण चुनाव की सदा से भारतीय जनता पार्टी पक्षधर रही है। समाजवादी पार्टी चाहे 2022 के विधानसभा चुनाव रहे हो, चाहे 2024 के लोकसभा चुनाव, इनकी सभाओं के दौरान भी भारी अराजकता, उपद्रव, बवाल या पूरे प्रदेश ने, देश ने देखा है। और कल को लेकर के इनके बारे में जो फीडबैक जिले जिले से प्राप्त हुआ है, उसको लेकर के भी हम चिंतित है। उससे भी आयोग को अवगत कराए हैं और हम लोगों ने मांग की है कि सभी स्थानों पर कहीं पर भी अराजक तत्वों को एकत्र न होने दिया जाए, शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित, निष्पक्ष मतगणना सुनिश्चित कराई जाए। यह मांग पत्र माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भूपेन जी हैं, हमारे डिप्टी सीएम हमारे ब्रजेश जी हैं, स्वतन जी हैं, सब और जेपीएस जी हैं, सब लोग हम लोग मिलकर के अभी अपनी शिकायत दिए हैं। यही शिकायत करने के लिए धमकी ये अधिकारियों को भी दे रहे हैं, धमकी ये जनता में पब्लिक को भी दे रहे हैं और इनकी धमकियां निश्चित तौर से चिंतित करने वाली है। चूंकि इनके समाजवादी पार्टी का मतलब है उनके यहाँ गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, बवाली का एक बड़ा बड़ा गिरोह है, गैंग है और चुनाव आचार संहिता चल रही है। चुनाव आयोग का ये उत्तरदायित्व है और ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि बिना देरी किए तत्काल प्रभावी कार्रवाई किया जाए, जिससे निष्पक्ष मतगणना संपन्न हो।